नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी डिमांड की वीडियो के साथ। टेकचिप चैनल पर आपने मेरे जो लिनक्स के वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर टर्मिनल पर ये कलरफुल टेक्स्ट लिखा रहता है। तो इसके बारे में मेरे से काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा कलरफुल टेक्स्ट हम अपने टर्मिनल पर कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज बताऊँगा। वैसे मैंने इसके लिए काफ़ी पहले एक वीडियो भी बनाई हुई थी कि आप टर्मिनल पर अपना टेक्स्ट आर्ट बैनर कैसे सेट कर सकते हैं, पर वहाँ पर केवल ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट ही आता था। तो आज मैं आपको इसका एक एडवांस तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने टर्मिनल पर इससे भी बेहतर कलरफुल टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने लिनक्स सिस्टम पर दो टूल इंस्टॉल करूंगा। मैं यहाँ पर Ubuntu OS का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको ठीक ऐसे ही काले लिनक्स या पैरट सेक जैसे OS पर सेट कर सकते हैं। तो पहला टूल तो वही है टेक्स्ट आर्ट के लिए जो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, फिगलेट। और हम इसके साथ दूसरा टूल इंस्टॉल करेंगे टेक्स्ट को कलरफुल करने के लिए, इसका नाम है लोलकैट। तो यहाँ पर मैंने दोनों टूल को इंस्टॉल करने के लिए कमांड लगा दी है sudo apt install figlet और lolcat। अब ये टूल बस कुछ ही समय में मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जो lolcat टूल है आप इसकी मदद से अपने किसी भी कमांड के आउटपुट को कलरफुल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पर ये दोनों टूल इंस्टॉल हो चुके हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर एक सिंपल से कमांड लगाया ls, तो यहाँ पर इसका आउटपुट इसके डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम के हिसाब से आ चुका है। अब मैं सेम कमांड को वापस lolcat के साथ लगाता हूँ और फिर हम यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं कि कैसा आता है। और ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कलरफुल आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पर खास बात यह है, आप इसको जब भी रन कराएंगे तो यहाँ पर एक रैंडम कलर ही प्राप्त होगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर दूसरा कलर आ रहा है, आप इसको जब भी रन कराएंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर आएंगे। तो हम यहाँ पर lolcat का यूज़ figlet के साथ भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर figlet के साथ तरह तरह के फॉन्ट्स का यूज़ करके यहाँ पर एक स्टाइलिश टेक्स्ट आर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कमांड लगाया figlet, फॉन्ट्स का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर फ्लैग लगाएंगे -f, और आप यहाँ पर जो भी फॉन्ट्स का यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया स्क्रिप्ट, और आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आर्ट सेट करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया टेक्चिप, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइलिश बैनर आ चुका है। अभी आप इस आउटपुट को कलरफुल भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे lolcat का। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, अभी आप इसको जितनी बार भी रन कराएंगे तो यहाँ पर एक अलग कलर आएगा। आप यहाँ पर figlet टेस्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं, आप यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पर कई सारे figlet के फॉन्ट मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर इस GitHub के पेज पर figlet के फॉन्ट्स का कलेक्शन है, आप यहाँ से इन सारे फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने इसका Git clone URL कॉपी कर लिया। अभी आप इन फॉन्ट्स को जहाँ पर अभी डाउनलोड करना चाहते हैं उस फोल्डर के अंदर आ जाइए। जैसे कि मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे Git clone, और जो हमने URL कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सारे फॉन्ट्स मेरे डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पर इन फॉन्ट्स को figlet के अंदर कॉपी करेंगे जिससे कि हम यहाँ पर इनका यूज़ कहीं से भी कर सकें। तो इसके लिए कमांड लगाइए sudo cp यानी कॉपी, और आपके figlet फॉन्ट्स का पाथ, और इनको हम कॉपी करेंगे usr के अंदर, share के अंदर, figlet के अंदर। तो यहाँ पर ये सारे फॉन्ट्स figlet फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाएंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पर ये कॉपी हो चुके हैं, अभी आप यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वापस से कमांड लगाया figlet -f, अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 3D फॉन्ट का। तो मैं टाइप कर दिया 3D, उसके बाद आपका टेक्स्ट जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे पाइप के साथ lolcat। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर काफ़ी बेहतर कलरफुल टेक्स्ट आ चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर इसका कलर हर बार चेंज हो रहा है। तो भी आप इसको अपने टर्मिनल पर सेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप जब भी अपना टर्मिनल स्टार्ट करें तो हर बार ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ पर इस कमांड को कॉपी कर लीजिए। अभी हमें इसको bashrc फाइल के अंदर सेट करना होगा। ये फाइल आपको यूज़र के होम फोल्डर के अंदर मिलेगी, तो मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ। इसके बाद आप इस फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने कमांड लगाया nano.bashrc, अभी यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुकी है। अभी आप फाइल के लास्ट के अंदर जो आपने कमांड कॉपी किया था इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया क्लियर, और जो कमांड मैंने कॉपी किया था इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करके बंद कर देंगे। अभी आप अपने टर्मिनल को जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कलरफुल टेक्स्ट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टर्मिनल को वापस से ओपन किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कलरफुल टेक्स्ट आ चुका है। आप इसको जब भी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कलर के अंदर टेक्स्ट दिखाई देगा।
तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने टर्मिनल पर कलरफुल टेक्स्ट सेट कर सकते हैं और आप यहाँ पर जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अभी आप समझ गए होंगे कि आप कलरफुल टेक्स्ट अपने टर्मिनल पर कैसे सेट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की यूज़फुल जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।